आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आप व्हाट्सएप के और ट्विटर के इन ग्रीवेंस ऑफिसर तक पहुंच कैसे सकते हैं। पहली बात ये कि व्हाट्सएप के जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं उनका नाम है परेश बी लाल। व्हाट्सएप हो या ट्विटर, अब अगर आपकी कोई भी ग्रीवेंस है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप और ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस निकाली थी उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज थे, यानी कि वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, उनसे ये कहा गया था कि आप अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करें। और मई 26, 2021 से ये रूल्स जो हैं वो इन इफेक्ट आ चुके हैं। अब इन्हीं रूल्स के तहत व्हाट्सएप ने और ट्विटर ने अपना इंडिया में एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आप व्हाट्सएप के और ट्विटर के इन ग्रीवेंस ऑफिसर तक पहुंच कैसे सकते हैं। पहली बात ये कि व्हाट्सएप के जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं उनका नाम है परेश बी लाल, और ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को अपना ग्रीवेंस रिड्रेसर ऑफिसर बनाया है। कंप्लेंट करने के लिए अगर आप व्हाट्सएप के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप बाय ईमेल और बाय पोस्ट जो है वो ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेंट करने के लिए आपको ईमेल डालते हुए अपनी कंप्लेंट और साथ ही में जो आपका कंसर्न है उसके साथ साथ में आपकी कंप्लेंट के साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना चाहिए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक अकाउंट के लिए ग्रीवेंस डाल रहे हैं तो आपको अपना फुल फोन नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट में, जिसमें आपका कंट्री कोड भी आप ऐड करते हैं, जो कि इंडिया में अगर देखा जाए तो +91 जो है वो कंट्री कोड है, कंट्री कोड ऐड करके आपको वो ईमेल भेजनी है। ईमेल आईडी जो ग्रीवेंस ऑफिसर है व्हाट्सएप के उनकी है grievanceofficer_wa@support.whatsapp.com, ये ईमेल आईडी है। और उसके अलावा अगर आप बाय पोस्ट उन तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि चिट्ठी डालकर, तो उसके लिए एड्रेस दिया गया है परेश बी लाल का, जिनमें आप जब उन्हें एड्रेस कर रहे हो तो ज़रूर लिखें कि व्हाट्सएप के ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 56, रोड नंबर 1, बंजारा हिल, हैदराबाद, पिन कोड है 500034, तेलंगाना, इंडिया। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर ने भी एक इंटरिम रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया है, जिन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप उन्हें चिट्ठी लिख सकते हैं, धर्मेंद्र चतुर, 4th floor, दी एस्टेट, 121 डिकेंसन रोड, बेंगलुरु, पिन कोड है 560042, कर्नाटका, इंडिया, या फिर grievance-officer-in@twitter.com पर भी उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ने कहा है कि ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर का ये चैनल है ये आम लोगों के लिए है, जिन आम लोगों को कोई ग्रीवेंस होगी इसका मिसयूज ना किया जाए, और साथ ही में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी लीगल प्रोसेस के लिए तो उनके लिए एक अलग जरिया है, वो इस ग्रीवेंस ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। उनके लिए ये कहा गया है कि आपके पास एक वैलिड सबपीना होना चाहिए, जिस अगर किसी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या कोई कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए, या कोई सर्च वारंट होना चाहिए, उसके बेसिस पर जो है या फिर इमरजेंसी अगर रिक्वेस्ट होती है उसके बेसिस पर अलग चैनल्स हैं व्हाट्सएप के, जिसके थ्रू जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस थी उसमें मकसद ये बताया गया था कि कई बार जो लोग होते हैं उनके मसले होते हैं व्हाट्सएप और ट्विटर से जुड़े हुए, यानी कि ट्विटर के जरिए किसी की ऑब्सीन इमेजेस को वायरल किया जा रहा है, फोटोशॉप्ड इमेजेस को, मॉफ्ड इमेजेस को जो है शेयर या रीशेयर किया जा रहा है, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर से, ताकि उस इमेज को आप रिमूव करवा सकें। कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर आपको ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्राइवेसी का कोई ब्रीच होता है उसको लेकर आप ग्रीवेंस ऑफिसर तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसको लेकर या उसकी जो डिग्निटी है उसको लेकर अगर किसी तरीके का भी हार्म व्हाट्सएप और ट्विटर इन दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होता है तो अब चैनल डिवाइस कर दिया है, अब आपको ढूंढना नहीं है कि किस तरीके से व्हाट्सएप के कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट किया जाए, यूएस में कौन सा हेडक्वार्टर है, कहां पर उन्हें कॉन्टैक्ट किया जाए। अभी जो ग्रीवेंस ऑफिसर है इंडिया में जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं और ट्विटर यूजर्स हैं उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करेंगे, उनकी ग्रीवेंसेस को डिस्पोज ऑफ करेंगे। आप जानते हैं पिछले दिनों व्हाट्सएप जो है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, और वहीं ट्विटर के साथ भी एक घमासान चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कड़े शब्दों में ट्विटर ने जो स्टेटमेंट दिया था उसकी निंदा की। समझ में ये आ रहा था कि अब नई जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस आई हैं क्या ये प्लेटफॉर्म्स
उनका पालन करेंगे या नहीं करेंगे। और बीच में रूमर्स भी चले थे कि शायद से ट्विटर को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया जाएगा इंडिया में। बैन तो ये प्लेटफॉर्म्स नहीं हुए, लेकिन कंप्लायंस कर रहे हैं इंडिया की सोशल मीडिया गाइडलाइंस की।